योगी सेना, राष्ट्रीय योगी सेना, भगतपुर थाना, भगतपुर थाना। मुरादाबाद की थाना भगतपुर पुलिस द्वारा योगी सेना के कार्यकर्ताओं की पिटाई का एक वीडियो सामने आने से हड़कंप मच गया। योगी सेना के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने एसएसपी कार्यालय पहुंचकर आज पुलिस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए उच्चाधिकारियों को एक शिकायती पत्र सौंपा और थाने में तैनात पुलिस कर्मियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। दरअसल योगी सेना के कार्यकर्ताओं ने एसएसपी कार्यालय पहुंचकर उनके साथ की गई बेरहमी से पिटाई के सबूत भी इन कार्यकर्ताओं का कहना था कि गांव के एक मामूली झगड़े की शिकायत दर्ज कराने के लिए वो लोग थाना भगतपुर पहुंचे, जहां पर मौजूद दरोगा और अन्य पुलिसकर्मियों ने भगवा गमछा पहने कई कार्यकर्ताओं की बड़ी बेरहमी से पिटाई की है, जिससे एक वीडियो उनके द्वारा मुख्यमंत्री योगी और स्थानीय पुलिस अधिकारियों को भी दिया गया है। घटना 2 दिन पूर्व की है। पीड़ित कार्यकर्ताओं ने भगतपुर पुलिस पर और भी कई गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं इस मामले पर एसपी देहात जांच करते हुए कार्यवाही की बात कर रहे हैं। मुरादाबाद से सागर रस्तोगी की रिपोर्ट, लाइव जर्नलिस्ट। योगी सेना जी, कोविड सिंह। क्या चोटें कैसा आई हैं आपको? चोटें हम तहरीर देने के लिए थाना भगतपुर में गए थे, बाहर खड़े थे जो है सब लोग जो है वहाँ दे, जैसे वो सुधीर कुमार जो है उप निरीक्षक बाहर आए और वो जो है हमको अंदर ले आकर बैठा दिया और हम 2 लोगों को बुलाया जो है, ले आने के बाद जो है हमारे जो है गमछे फाड़ दिए और फेंक दिए जो है, फेंकने के बाद हमारे मुंह पर लपेटे जो है सब लड़कों के और जो है मारने लगे, सब जो है दारू बाइन पे हुए थे जो है और जो है काफ़ी मारा जाए। योगी जी को अब्द शब्द टिप्पणी बोली है, बाकी हम देख लेंगे जो जो भी होगा जो है। परसों भगतपुर थाने की पुलिस राष्ट्रीय योगी सेना के कार्यकर्ताओं को थाने में उठा के लाई और बहुत बेरहमी से उसको मारा गया, जिसकी ऑडियो और वीडियो दोनों हमारे पास हैं। एक छोटा सा झगड़ा था जिसकी वजह से योगी सेना के आदमियों ने 100 नंबर पर फ़ोन करा, लेकिन फ़ोन करने के बावजूद भी इनको ही उठा के ले आए, दूसरी पार्टी को नहीं उठाया गया। दूसरी पार्टी की तरफ से पैसा और शराब दी गई, जिसको पी के पुलिस ने बुरी तरह इनको मारा। शराब दी गई, शराब पिए हुए थे सब जब हम पहुंचे हैं, तो बुरी तरह शराब के नशे में थे। वहाँ के एक दरोगा जी थे और एक सिपाही थे, वो बुरी तरह नशे में थे, उसकी हमारे पे भगतपुर थाने। नितिन वर्मा नाम है भाई साहब, प्रदेश मंत्री हूँ राष्ट्रीय योगी सेना उत्तर प्रदेश। क्या पूरा मामला है भगतपुर का? भगतपुर का मामला ये है साहब कि हमारा ब्लॉक प्रभारी है कुबीर सिंह, वो किसी विषय को लेकर थाना भगतपुर में मिलने गए थे एसओ मलिक साहब से, उसके बाद उनकी सुनवाई भी नहीं हुई वहाँ पर, और जो वहाँ पर सुधीर मलिक एक दरोगा हैं और कुछ सिपाही हैं उसके अंदर, उन लोगों ने उन सब लड़कों को पकड़ा और उनको मारना शुरू कर दिया। बोले योगी के गुंडे हो तुम लोग, बोले योगी मोदी भी कुछ नहीं कर पाएंगे, पुलिस प्रशासन इतना है हमारे हाथ में, ये उन लोगों का व्यवहार था। उसके बाद लड़कों ने पूरा थाना शराब पिए हुए था जो बिल्कुल, और उसके बाद उन लोगों ने सभी ने मिलकर पुलिस प्रशासन की छवि को धूमिल किया है, और उसके बाद उन लोगों ने पटो से लड़कों को मारा है, जिसके साक्ष्य हमारे पास मौजूद हैं। एक एक आदमी जिनके नील पड़े हुए हैं, पूरी रात उन लोगों को मारा है। फिर हम लोग पहुँचे थाने, थाने पहुँचने के बाद हम लोगों ने बात करी, तब उन लोगों ने बड़ी मुश्किल से छोड़ा। जो दूसरा पक्ष था उसको कोई गिरफ्तारी नहीं की गई, और वो दूसरा पक्ष जो था उसकी गिरफ्तारी ना करने के बाद वो 191 जमानत कराने आ रहा है, मुलजिम जमानत कराने आ रहा है। अच्छा, ये भोजपुर थाने भगतपुर थाने का अमानवीय चेहरा है पुलिस का। वीडियो भी वायरल हुआ इसका, पुलिस का, और जो सुधीर मलिक है उनका एक वीडियो है जिसमें वो भगवा बांध कर मार रहे हैं, कह रहे हैं भगवा, सब लड़कों के भगवा उतरवाए, भगवा का अपमान अलग किया उन लोगों ने, बोले भगवा बांधो इनके और भगवा बांध के मारेंगे हम इनको। ये व्यवहार उन लोगों ने राष्ट्रीय योगी सेना के कार्यकर्ताओं के साथ किया। मोदी जी और योगी जी के लिए अभद्र भाषा का उन लोगों ने प्रयोग करा, बोले मोदी योगी तो आते जाते रहते हैं, बोले अभी जब सरकार बदलेगी हमारी तब हम बताएंगे, ये सुधीर मलिक के बयान थे। हम चाहते हैं कि थाना भगतपुर पूरा बर्खास्त हो, जिसमें एसओ मलिक साहब और जो दूसरा एसआई हैं वो भी मलिक ही हैं, और जितने 3-4 उसमें सिपाही हैं जिसमें सब लोगों ने कृत्य किया है, वो सभी लोगों को बर्खास्त होना चाहिए और कार्यकर्ताओं को न्याय मिलना चाहिए। वीडियो जो मारा है कहाँ का है? ये थाने के अंदर का है जिसमें पूरा थाना शराब पिए हुए था, जब हम लोग पहुंचे पूरा थाना शराब पिए हुए था। तो पुलिस नहीं मारा है, थाना एसआई है वो, बिना वर्दी के, बिना वर्दी के एसआई थे वो,
वहाँ पर। ठीक है, राष्ट्रीय योगी सेना के कार्यकर्ताओं पर मारपीट की गई है थाने करते। ये जैसा कि आपके द्वारा बताया जा रहा है, इस वीडियो की जांच की जा रही है और इसकी जांच क्षेत्राधिकारी ठाकुर द्वारा की जा रही है। इसमें जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी। ठीक।